हम इधर ही रहते हैं, ज़रा दूर रहते हैं, इस जगह पे तो कोई भी नहीं आता, ये तो आप अपनी जिम्मेदारी पे इसके अंदर जाएंगे, वरना इधर दिन को भी कोई नहीं आता, आप रात को रिस्क ले रहे हैं, ये आपकी मर्जी है, हम तो दिन को भी इधर चक्कर कभी कोई आता ही नहीं। यहाँ बहुत देर से ना लोग यहाँ से डरे हुए हैं, काफ़ी लोगों को इधर से असेब भी हुआ है, और ये इस पर कोई छत वगैरह जब भी कोई रखता है ना वो गिर जाती है, और वैसे भी दीवारें गिरी गुरी थे, बनाने नहीं देते वो। वो पहले उन्होंने बनाया था ना इधर, उनका उन्होंने सिस्टम बनाया था, कोई अपना डेरा वगैरह बनाएंगे, लेकिन वो ये जो दरख्त है ना, ये कोई काट सकता है ना कोई इसको कुछ भी, इधर कोई डरता आता ही नहीं है, दिन को भी नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आसिब ज़दा, मैं हूं नजफ राजा और मैं हूं मुशारे फारूकी। नाज़रीन, आज हम जिस जगह मौजूद हैं ये एक बीआरबी नहर के करीब है, एक गांव है जहां पे आज हम मौजूद हैं, क्योंकि इस गांव की एक जगह है, एक मखसूस जगह है जहां पे कुछ आसेब पाए जाते हैं, यहां के लोगों की शिकायत है जी। और नजफ, उस इलाके वालों ने हमें ये बताया कि वो जो मखसूस जगह है वहाँ पे जो भी नजफ दीवार डालने की कोशिश करते हैं, इमारत अच्छा। बनाने की कोशिश करते हैं, वो कुछ दिन बाद उसको गिरा दिया जाता है। बिल्कुल, ये जब हमें बात पता लगी तो हमें अजीब ही ऐसी बात है कि वहाँ पे अभी हम लोग गए नहीं हैं, लेकिन पहले से खौफ है कि दीवार खड़ी की जाती है उसके बाद वो उसको गिरा दिया जाता है। और नजफ, हम लोग इंडियन बॉर्डर के पास एक गाँव में हैं, बीआरबी नहर का लोगों को पता होगा, आज हम लाहौर से काफी किलोमीटर दूर हैं, सर्दी आ चुकी है नजफ, एग्जैक्टली, और माहौल एक्चुअली बहुत ज्यादा यहाँ पे खौफनाक ऑलरेडी बन गया है, लाइट्स नहीं है, ठंड है, ठंड का बहुत ज्यादा एहसास है, कुछ भी नहीं है, सुनसान है, जानवरों के अलावा किसी चीज की आवाज नहीं आएगी, ये मामलात है। और ये दीवार गिराने के अलावा वहाँ पे कुछ इस तरह, एक तो वहाँ पे कोई जाता नहीं, और जो जिसका गुजर बसर वहाँ से हो जाए वो खौफ ज्यादा हो जाता है, और उसको इस कदर टेम्परेचर हो जाता है कि टेम्परेचर उतरता बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। ये मामला अभी हम उस तरफ जा रहे हैं, साथ साथ आपको इलाका भी दिखाते हैं कि क्या खौफ है यहाँ पे। सही, इंसान जो यहाँ पे कुछ गांव में रह रहे हैं वही हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट उस तरह की नहीं है जैसा कि शहर में होती है, फैसिलिटीज नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, और वैसे भी ये बॉर्डर एरिया है, सिग्नल वैसे नहीं आ रहे, और हम इस रात के पहर यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह बेहतर करे कोई ऐसा मामला ना पेश आए नजफ, जिससे कोई पूरी टीम को कोई मसला बने। थोड़ा सा दिखाएं जी नजीन, अभी या आप देख रहे होंगे कैमरों में आवाज आ रही होगी कुत्तों की भौंकने की, और उसके अलावा यहाँ पे ना ट्रैफिक की आवाज है, दूर दूर तक ट्रैक्टर गुजरेंगे क्योंकि गाँव का एरिया है, और मुसलसल कुत्ते की भौंकने की आवाज आ रही है। तो आगे चलते हैं, उस जगह की तरफ जानेब चलते हैं, आओ नजर। नाजिन बकायदा ना यहाँ से थोड़ा दिखाएं, अली थोड़ा मूव कीजिएगा कैमरा, कौन है? कुत्तों की बहुत आवाज आ रही है, आवाज आई है, ये देखो सिश, कौन है? औरतों की आवाज आ रही है, ओके, हाँ अजय कोई हंस रहा है ना, जब औरतों की आवाज आ रही है, मुसलसल कुत्ता भौंक रहा है मुसलसल। नज़र, ये साथ कोई बागात टाइप कोई चीज है, दरख्त ही दरख्त हैं, और आई थिंक ये सर्दियां नज़र क्योंकि शुरू हो गई हैं, ये बहुत ओपन जगह है, साइड पे इसके बॉर्डर लगता है, सारा वीरान, और तो ठंडक यहाँ पे ज्यादा है उस बाकी शहर बॉर्डर के करीब है, और यहाँ पे आबादी नहीं है, तो डेफिनेटली इस तरह के जिन्नात आसेब यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन कुछ जिन्नात कुछ आसेब कुछ असरात ऐसे होते हैं जो इंसानों को तंग करते हैं, उनकी जगहों पर आ जाते हैं, कब्जा कर लेते हैं, और उस मखसूस जगह की जानिब हम जा रहे हैं जहाँ पे ऐसे असरात पाए जाते हैं। हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि सिर्फ वो बातें हैं, लोगों की कहानियाँ हैं, या सच में उस जगह पर ऐसी हकीकत पाई जाती है, ये हम वहाँ पर देखेंगे। जी नाज़रीन, ये वो सामने जगह है जहाँ पे हम अभी जाएंगे, बहुत नजफ यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, और अचानक से हवा का झोंका आता है, बॉर्डर के पास है क्योंकि एकदम यहाँ पे हवा चलती है। नाज़रीन आइएगा, अली बिस्मिल्लाह, एक सेकंड ठहरें यहाँ पे। नाज़रीन हम अब एंटर होने लगे हैं,
एक अली आप आगे आएं, यहाँ से ना दिखाएं कैमरा, एक कैमरा मैन आगे आ जाए, चलिए चलिए। सामने वाला दरख्त है ना जो लोकेट किया गया, ये सामने नाज़रीन ये दरख्त है और हम EMF ऑन कर रहे हैं, इसको अगर दिखाएं, ये वो नाज़रीन दीवार है जो के जिसको बनाने की कोशिश की जाती है तो वो गिरा दी जाती है। क्या रीज़न है यहाँ पे, इंसान का तो रहने का सवाल पैदा नहीं हो सकता जितना ये लोकेशन है, लेकिन ये दीवार कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं या कुछ भी लगाते हैं, गेट शेड वगैरह वट एवर, तो वो नहीं हो पाती कंप्लीट। तो आइए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, देखें अपने व्यूअर्स को मुशारे भी बताते चलते हैं। ये क्या, ये ऊपर दिखाएं, ऊपर दिखाएं, ऊपर ऊपर दिखाएं, ऊपर, ये कैसे हो रहा है, ये क्या, ये पत्ते के वाले, ये वाला यार, ये हवा से हिलना, हवा अचानक पहले नहीं थी, अब भाई ठंडी हवा चल रही है शायद इसलिए। अच्छा मैं चाहूंगी कैमरामैन सामने वाला दरख्त दिखाए जिस पे असरात हैं, और ये वो दरख्त है नाज़रीन जिसके बारे में हमें बहुत सी बातें सुनने को मिली हैं कि इस दरख्त में इस कदर असरात हैं कि कोई, वो जो असरात हैं वो इस पूरी जगह पर है और कोई यहाँ करीब से भी नहीं गुजरता है। बहुत ध्यान से मुशारिफ, हम EMF को से क्या, ओह माय गॉड, अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर, वहाँ पे कोई काली सी चीज है। दुआएं पढ़ लो, दुआएं पढ़ लो, दोबारा आओ, अंदर ही थे ना, मैं आता हूँ, क्यों करो, अंदर थी नजर। नाज़रीन अभी हम एंटर हुए, आवाज आई है बकायदा, यकीन करें नाज़रीन हमारी जान निकल गई है। कौन है? अली, अली उधर से जाओ, उधर से। कौन है? सामने सामने है, सामने जो भी चीज़। ओह माय गॉड, कौन है? अस्तग़फ़िरुल्लाह, कैप्चर हो रही है, एक सेकंड ठहरो, देखिए हम यहाँ, अल्लाह हू अकबर, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ओह माय गॉड, अस्तग़फ़िरुल्लाह, देखिए हम यहाँ किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने नहीं आए, ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? एक सेकंड ठहरो, नजफ आगे नहीं जाना, नजफ नहीं जाना अभी आगे, ओह माय गॉड, कौन है? अस्तग़फ़िरुल्लाह, कैप्चर हो रही है, एक सेकंड ठहरो, देखिए हम यहाँ, अल्लाह हू अकबर, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ओह माय गॉड, अस्तग़फ़िरुल्लाह, देखे हम यहाँ किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने नहीं आए, ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये सामने क्या काली सी चीज, आवाजें आ रही हैं, बकायदा तौर पर आवाजें आ रही हैं। देखे हम यहाँ किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने नहीं आए, ना ही पहुंचा सकते हैं, कौन है? देखें नाज़रीन हम अभी एंटर हुए हैं, दिस इज अनबिलीवेबल नजफ, कि वो किस तरह यार ये दीवार गिर रही है, वो चीज तुमने देखी नहीं जो मैंने देखी है, उस वक्त बाहर चले गए थे एकदम डर के, यार वो चीज यहाँ पे बैठी हुई थी और वो आवाज, उस वक्त अली था मेरे साथ, अली था उस वक्त मेरे साथ, और वो बकायदा तौर पर घुर्रा रही थी वो चीज, उसके बाद ईंटें गिरना शुरू हुई हैं, मैं बताऊं, और मैं सकते में आकर उधर खड़ी रही हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा वो हो क्या रहा, उधर रखें यार नजफ, नाज़रीन मैं आपको बात बताऊं, नजफ मेरी बात सुनो, जब एंटर हुए ना तो बकायदा तौर पर यकीन करें हमें नई एक्सपेक्टेशन थी,
राजन ये हमारे इर्द गिर्द ऐसा हो गया, इस्तग़फ़ार। व्हिप, अल्लाह अकबर, ये क्या हुआ? व्हिप, अल्लाह अकबर, ये क्या हुआ? इधर आओ शबीर, इधर आ जाओ, इधर आओ। नाज़िन हमें हर तरफ से जानवरों ने घेर लिया है और जो आवाजें आई हैं नाज़िन वो किसी जानवर की नहीं थी पहले पहले। अल्लाह, ओह माय गॉड, अस्तग़फ़िरुल्लाह, आगे ना जाए कोई, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। अली देखें हम यहाँ किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने नहीं आए। अली ज्यादा आगे नहीं जाना, ओ ये ऊपर देखना, ऊपर ऊपर, अल्लाह माफ करे। अल्लाह माफ करे। अली इधर इधर, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। यार वापस इधर से, यहाँ से निकले, सारे यहाँ से निकले। शबीर चलो यहाँ से बाहर, चलो चलो। देखिए हम यहाँ किस नुकसान पहुँचाने नहीं आए। यार वापस इधर से, यहाँ से निकले, सारे यहाँ से निकले। शबीर चलो यहाँ से बाहर, चलो चलो। देखिए हम यहाँ किस नुकसान पहुँचाने नहीं आए। नाज़िन उसके अंदर कोई बैठा हुआ है यार, वो जानवर नहीं है। क्या आप इर्द गिर्द आवाजें सुन रहे हैं? कौन है? देखिए हम कुछ देर में यहां से जा रहे हैं, या वो हिल रहा है नजर, उसके अंदर कोई बैठा हुआ है। अस्तग़फ़ार यार, ये आवाजें नाज़िन आप लोग सुन पा रहे हैं? ये हो क्या रहा है इधर यार? यार ये आवाजें नाज़िन आप लोग सुन पा रहे हैं? ये हो क्या रहा है इधर यार? उधर यार, उफ़ुल्लाह, ओए अस्तग़फ़िरुल्लाह, 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 ओए ओ माय गॉड। एक से बाहर आओ, बाहर आओ यहां से, नजफ इधर आओ, बाहर आओ, उधर यार, उफ़ुल्लाह, ओए अस्तग़फ़िरुल्लाह, 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 ओए ओ माय गॉड। एक से बाहर आओ, बाहर आओ यहां से, नजफ इधर आओ, बाहर आओ, आगे ना जाए, रुक जाए। नाज़िन जो यहाँ से कहानियां, जो यहाँ से बातें थी वो सच है। यहाँ पे इतनी मतलब कि ये दीवारें टूट रही है खुद। वे अस्तग़फ़िरुल्लाह, वे अस्तग़फ़िरुल्लाह। यार अल्लाह नजफ चले अंदर क्या है यार? रुक जाओ यार, अभी रुक जाओ। अली जरा देखिए उधर, ये देखो, मैं आपको बता नहीं सकती इतनी अजीब। मेरी बात सुनो यार, नजफ अभी एक सेकंड ठहरो, हमें कौन है? शायद मेरे कंधे खींचे हैं, पता नहीं क्यों। वो इस कदर व्यूअर्स धचका था, आवाजें थी जो सामने से आ रही थी, उसके बाद सब चेंज हो गया। क्या हुआ, सब ठीक है? क्या हुआ यहाँ पे? वो काली सी चीज ही थी, कुछ पड़ा पता है यहाँ पे, कपड़ा टाइप। अस्तग़फ़िरुल्लाह, शायद वो चीज कहाँ गई है? मूव कर गई है नाज़िन, मूव कर गई है। नज़र ईएमएफ चेक करो। नहीं बोल रहा, आई डोंट नो, ईएमएफ नहीं बोल रहा है अब तक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ईएमएफ से ट्रक के पास चेक करो। यार मैं तो इधर आओ थोड़ा, अली बात सुनो, इधर दिखाएं जरा, लाइट ज्यादा कीजिए। नज़र यहाँ अगर थोड़ा सा अगर कैमरा दिखा सके, दूर दूर तक आबादी नहीं है। देखते हैं यहाँ पे रीडिंग आ रही है। ओहो
बॉर्डर लगता है इंडिया का और हम लोग इधर मुशारे में हर रीडिंग मिल रही है हल्की सी। इधर आओ इधर आओ, क्या देखें, हल्की सी रीडिंग मिल रही है, इसका मतलब है यहाँ पे असरात थे उस चीज के, हल्की सी रीडिंग मिल रही है यहाँ पे। ये क्या आवाज है? मुझे उनकी दूध में ना जाना, रुक जाओ। रीडिंग यहाँ से मिल रही है जहाँ पे वो चीज हमने देखी है। तो अस्तगफार, ये अगर ये दरख्त दिखाएं कैमरामैन हमारे अली, तो आप देख सकते हैं कितना पुराना इसके सेंटर में। ओह माय गॉड, नाज़रीन ये तो रीडिंग आ रही है। हाँ। मैं जब देख के अली शबीर आप रीडिंग देखो नाज़रीन, मैं ये बात भी कंप्लीट कर रहा था अली, वो जो चीजें हैं जानवरों को देख के हल्की सी रीडिंग यहाँ पे मिल रही है, तो वही यहाँ पे हो रहा है। जो यहाँ पे चीज थी हमारे लिए अनबिलीवेबल है, वो चीज आई और चली गई है। जैसे उसका ये दिखाएं कीड़े किस कदर है यहाँ पे, पर यहीं पे रीडिंग मिल रही है हमें। ये दिखाएं ऊपर से, ये देखें पहला की मखलूक यहाँ पे है, तो अपने होने का साथ दोबारा दिलाइए बगैर नुकसान पहुंचाए। हम कुछ ही देर में यहाँ से जा रहे हैं, हम आपको तंग करने नहीं आए। नाज़रीन वो ना अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ही कुछ कुछ हवा अचानक चलने लग जाती नाज़रीन, और वो चीज अपना यहाँ से मूव किया है। इतना मैं मुशारिब रुक जाओ, बकायदा हम यहाँ ना इनसे बात करते हैं। इनसे बात करते हैं, मतलब जैसे यहाँ तो इंसान आया ही नहीं ना कभी। आप ये क्योंकि जिस तरह इजहार किया गया ना उस आवाज का, वो बता रहे गुस्सा आ रहा है। और यहाँ पे इंसान का तो मतलब अमन दखल ही बहुत कम है। यहाँ पे आप खुद सोचें, बॉर्डर के करीब एरिया है जहाँ पे आबादी ना होने के बराबर है, उसके बाद हम उनके हदूद में गए, जिस तरह दीवारें गिर रही हैं, मतलब कि यार ये दीवार आप जोर लगाओ तो फिर गिरता है। इस तरह मामला नहीं है कि ये चीजें पड़ी हुई हैं और रीडिंग मिल रही है ना, जस्ट बहुत ज्यादा रीडिंग मिल रही है। वो चीज अभी ऐसा है कि वो मूव कर गई है, यहीं से इंडे गिरी है ना। हाँ देख के जरा अली आओ, देख के क्या कोई है यहाँ पे। रीडिंग बहुत ज्यादा मिल रही है हमें सारे। देखिए हम आपकी जगह पर आए हैं यहाँ पर, और आपको तंग करने बिल्कुल नहीं आए। हर जगह से कोई ना कोई पत्थर, अपनी मौजूदगी का दोबारा इजहार कर सकते हैं बगैर नुकसान पहुंचाए। नीचे मलबा, आप ये पत्थर देखें, हमारे आसपास पत्थर ही पत्थर है, मतलब के वो चीज मुशारे वहाँ से कुछ नजर आ रहे हैं। किधर 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 वो सामने करें, शुभी सामने करें, दोनों दोनों मुशारे वो किधर किधर, टॉर्च करो उधर, टॉर्च करो उधर, नजर इधर आओ किधर, वो सामने ज़ूम करो ज़ूम। यार ये किस तरह की चीजें नजर आ रही हैं, समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखें यहाँ पे आप जो भी मखलूक हैं, हमें पता है आप यहाँ पे मुशारिब, यहाँ पे कोई चीज बहुत ज्यादा असरात में मौजूद है। और नाज़रीन यहाँ एक ही दरख्त है जिसपे सारे मामला हो सकते हैं, यकीनन हैं। उई चीखों की आवाज आ रही है, चीखों की आवाज। कौन है? इधर है, इधर अली, इधर आओ, ऊपर चढ़ के, ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ो, कैसे आ गए हो? कौन है सामने करें कैमरा, देखिए अपने होने के साथ दोबारा दिला सकते हैं जैसा पहले दिलाया था। हमें मालूम है कि आप यहाँ इशारे में देखें, अभी रीडिंग आ रही थी एकदम बंद हो गई। हमें मालूम है कि आप यहाँ पे हैं और यकीनन हैं।
देख रहे नीडल खिल रही है। सबसे ज्यादा हमारे लिए हैरान कुछ ये बात थी कि वहाँ पे कोई चीज मखलूक बैठी हुई थी वहाँ पे, एक कपड़ा कह रहे हैं बार बार नजर को मिल रही है। पूरी दीवार मुशर्रफ उधर से पूरी दीवार। और मैं ये बात ये कर रहा था तो ये ईएमएफ दिखाएं कि वो चीज यहाँ पे बकायदा एक मैं उसको क्या कहूँ, चादर नहीं थी वो कुछ और ही था जो जिसकी आवाज भी आ रही थी, काले रंग की चीज थी और वो काफी एक मोटी चादर थी और वो हिली है बकायदा बार बार आई है। और जैसे उसके अंदर जानवर नहीं हो सकता नाज़िम, जानवर होता तो वो जगह यहाँ पे होती, चीज यहाँ पे होती, जानवर गायब होता, वो दोनों चीजें गायब है नाज़िम। मतलब जबरदस्त किस्म की रीडिंग मिल रही है। ज़ूम करें सर। ओ माय गॉड, ये देखें रीडिंग बहुत ज्यादा मिल रही है कि हम डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे। इसको कुछ देर के लिए बंद कर देती हूँ मैं। मुशारिफ आपको मिल रही है? मैंने भी ये मैं बंद किया था कि वहाँ के आपको रीडिंग मिल रही है तो मैंने इसलिए ये मैं ऑन नहीं किया। वो बहुत ज्यादा रीडिंग मिल रही है। मैंने अभी ईएमएस ऑन किया है, आप बंद रखिए कुछ देर। और नाज़िम इसको हम क्या डिस्क्राइब करें, आपके सामने जो हुआ है लेकिन वो चीज अब मूव कर गई है बिल्कुल, वो चीज यहाँ से कुछ देर लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है वो असरात अभी भी उस दीवार पर है। पहले इधर थे अब वो असरात सामने वाली वॉल पर है। क्योंकि ईएमएफ पे जैसे रीडिंग आ रही है तो वो चार्ज बॉडी इधर कोई चीज है बिल्कुल, वो चार्ज यहाँ पे छोड़ गई है। और अब एक और बात बताऊ नजफ, बहुत जरूरी बिल्कुल नाज़िम, आप लोग नोट करें कुत्तों की आवाजें नहीं आ रही, जैसे कि वो चीज मूव की है साथ वो जानवर देख के अगर बोलते हैं वो भी नहीं हो रहा नजर। और एक पॉइंट आया था व्यूअर्स कि जहाँ पर इस कदर बोल रहे थे जानवर, इस कदर बोल रहे, हमारी पूरी टीम उस वक्त ना एकदम चौंक गई कि इतने ज्यादा जैसे लड़ रहे हैं वो आपस में, गुर्रा रहे हैं, आवाजें आ रही हैं उनकी, चीज देख के वो लोग मतलब बहुत ज्यादा मामला खराब जब हो जाए बिल्कुल वो चीज सिचुएशन हो गई थी बिल्कुल। यहाँ पे मैं बताती चलूँ, जानवरों को ये आसेब जिन्नात रूहें नजर आती हैं और वो अगर बुरी होती हैं तो वो बोलते हैं, वो चीखते हैं, वो भौंकते हैं। क्या हुआ क्या हुआ क्या क्या हुआ मुशारिफ, ये क्या है सामने काले रंग की चीज, क्या है अच्छा इधर यार, क्या हुआ क्या हुआ क्या क्या हुआ मुशारिफ, ये क्या है सामने काले रंग की चीज, क्या है अच्छा जगह पे ना इर्द गिर्द है, इधर इधर बस इधर रुक जाओ रुक जाओ, इस जगह पे ना इर्द गिर्द हमारे सराउंडिंग में वो चीज है। अली ज़ूम कीजिएगा इस तरफ, नजफ टॉर्च करें इधर जी, ये जहाँ मेरी टॉर्च है ना यहाँ पे काले रंग की चीज बकायदा बैठी हुई थी, अली ने भी देखी है ना, आगे नहीं जाए, आगे भी रुक जाओ रुक जाओ। देखिए हम यहाँ कुछ ही देर में यहाँ से जा रहे हैं बिल्कुल, और आपकी जगह पे आपको तंग करने नहीं आए, बार बार ये चीज मेंशन कर रहे हैं, कुछ ही देर के लिए हम आए हैं और बगैर नुकसान पहुंचाए अपने असरात दिखाइए और अपनी हाजिरी दिखाइए बगैर नुकसान पहुंचाए। कोई है यहाँ पे बगैर नुकसान पहुंचाए होने का साहस दिलाइए। अब ये देख सकते हैं खाली जगह है, दूर दूर तक आबादी, वो देखें यहाँ पे मामला किया है, तो ये कुछ गिर रहा कुछ है पीछे से, नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते रहे कि जिस तरफ हम जाते हैं ना और जहाँ से लाइट कम होती है खत्म होती है, अगर हम आगे मूव करें तो पीछे ऐसे महसूस होते हैं कि वो चीज पीछे खड़ी है, पीछे से हरकत कुछ हो रही, क्या हुआ दिल से घबराने लग गया अचानक, पीछे से हरकत हो रही है और अभी यहाँ पे आए हैं तो लग रहा है वहाँ पे कोई चीज खड़ी हुई है, वहाँ पे हरकत हो रही है, दिल को डर है, आराम कर लें कुछ देर, ऐसा लग रहा है जैसे ना वॉमिट मतलब आपका हो सकता है, ठंड ज्यादा हो गई अचानक उस वजह से भी हो सकता है, लेकिन कुछ देर रुक जाते हैं कुछ देर रुक जाते हैं मुशारिफ, क्योंकि हाथ जो है ना वो फुल ठंडे हो चुके हैं, ठंड बहुत ज्यादा है यहाँ पे, अभी सर्दियाँ शुरू ही हुई हैं लेकिन ये खुला एरिया है और हमने अपनी तरफ से तो
फुल बाजू शर्ट्स पहनी है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे ठंड की वजह से भी हो सकता है ये वेटिंग आई थी, क्योंकि वो चुभ रही है ना, जब ये ठंड वो वाली है ना, चुभ रही है हड्डियों में वाली, मतलब वो वाली है। थोड़ा आगे देखते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, क्योंकि असरात तो हैं नाज़रीन, वो हम पे भी असरात, क्योंकि वो अफेक्ट होते हैं, हो रहे हैं और चीजों पे भी होंगे, टीम के साथ भी ये मामलात हो सकते हैं, क्योंकि चीजें तो हैं तो हमें फेस करना पड़ता है। आप लोग, आप लोगों के लिए, आपको चीज दिखाने के लिए, हकीकत से आगाह करने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, चले बिस्मिल्लाह करते हैं। यह मुझे ज्यादा ठंड लग रही है, ठंड है मुशारे यहाँ पे बहुत ज्यादा। नाज़रीन मैं दोबारा अपना ईएमए फोन कर रही हूँ और ये देखें, तो कुछ हुआ मुशारे, रीडिंग बहुत मिल रही है, तो कुछ चीज ना जंप की है, क्या हुआ, फिर कुछ चीज जैसे मूव हुई है ना, जैसे कोई पत्थर गिरा हो, अल्लाह अकबर, अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, कहां से गिर, वो फिर आ गई ना, जब मैं तुम्हें बता रहा हूं वो फिर आ गई है, कहां से गिर रही है यार, वो फिर आई है, बहुत ठंड है, पता नहीं मेरा तबीयत बहुत, फिर कुछ हुआ है, ठीक है मुशारे आप ठीक है, बस पता नहीं, और ये आहिस्ता आहिस्ता नाज़िम, क्योंकि खुला एरिया तो फॉगी वेदर भी हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, हमें क्या कुछ चीज है यहाँ पे अपने होने का साज, दोबारा जलाइए हम यहाँ कुछ देर में यहाँ से चले जाएंगे, नुकसान पहुंचाने नहीं आए, फिर कुछ गिरा है ना, क्या हुआ, अस्तगफुरुल्लाह यार, मुशारे भी गिरी है, अभी गिरी है, मुशारे भी टूटी हुई, ये अभी ताजी टूटी, आके देखें ना, मुझे ऐसा लग रहा है, ये देखें ये साइड पर टूटी हुई है, और ये वार हो रहा है नाज़रीन हम पर ईंटों के साथ, कोई है, अच्छा हम उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं ना, तो कुछ होता है दोबारा हो, क्या हुआ, क्या चीज गिरी है, सब ठीक है, फिर कुछ आया यार, जैसे हम इधर आते हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ये मैं फोन कर रहा हूँ, अल्लाह अकबर अस्तगफुरुल्लाह, ठीक हो, अरे वो किस तरह हिट हुई है यार हम पर, जैसे दरख से कुछ आया, मैं सब अस्तगफुरुल्लाह, देखें हम यहाँ पे नुकसान पहुंचाने नहीं आए, ना ही पहुंचा सकते हैं, हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, कुछ देर में जा रहे हैं, अपने होने का साथ आपने दिलाया है, बहुत बार दिलाया है, बल्कि आप सामने भी आ गए थे हमारे, बस आपसे अर्ज करेंगे कि हमें नुकसान मत पहुंचाइए, नुकसान मत पहुंचाइए, हम कुछ देर में जा रहे हैं, बिल्कुल अर्ज करेंगे, दरख्वास्त करेंगे आपसे, हमारे पास कुछ आलात हैं, उसी पे अपने होने का साथ दिलाइए तो ठीक है, अली बहुत ध्यान से, यार मेरी जान निकल गई यार, नजफ में दिमाग खराब हो गया मेरा, नाज़िम ये जो मामला होते हैं ना, ये आप समझ सकते हैं कि हम अभी उस जगह पे आए हैं,
यार अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इस जगह में बहुत मसाइल हैं, इस जगह पे बहुत असरात हैं मुशारिफ, इस सामने वाली जगह पे। यार पीछे कर आवाजें आ रही है मुशारिफ, क्या क्या हुआ? बैक साइड पे आए, यहाँ से थोड़ा दिखाएं अली, ये इसकी बैक जगह है और दूर दूर तक यहाँ आबादी नहीं है, फिर रानियत है। नाज़िम यहाँ पे इंसान मतलब वो क्या वो अल्लाह अकबर अकबर क्या हुए क्या हुए? सामने 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 कुछ था हैं हैं ठीक हो एक सेकंड सांस लो मुशारिफ, सामने मैंने चीज देखी है यार कोई। अली शबीर सामने ही रखो कैमरा प्लीज। अस्तगफिरुल्लाह। नाज़रीन आप फोग देख सकते हैं किस कदर है और वीरानियत, खौफनाक असरात और ऐसे लग रहे जिस तरह यहाँ पे बहुत सी चीजें मौजूद हैं हमारे अलावा भी। अजब अजब यार ये देख रही हो? ओह माय गॉड अस्तगफिरुल्लाह मुशारिफ इस कदर असर आते हैं इस जगह पर। नाज़रीन जो हो रहा है आपके सामने है, हर चीज आपके सामने क्लियर। मुझे सामने किसी की आंखें नजर आ रही है अली, वहां सामने देखें वो सामने नजर आ रही है, कैप्चर हो रही है, दिखाएं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सब सेफली हैं, सब सेफली हैं। नज़रीन आपके सामने आप देख सकते हैं कि ये जब भी जानवर बोलता है, जो गधा बोला है अभी, वो किसी शैतान को देख के बोलता है। नजफ बिल्कुल ऐसा ही है। क्या? वो जैसे ही वो दरख्त हिला है, रीडिंग आ रही थी, बकायदा झड़का है यार किसी चीज ने, जैसे वो ऊपर बैठा हुआ है। और उसके अलावा वो साथ ही वो जानवर बोल पड़ा। मुझे सामने कितनी काली खौफनाक चीज नजर आई है और मेरी जान निकल गई और मैंने फौरन चिल्ला कर कहा कि वहाँ कैमरा करो और वहाँ पे एकदम कुछ भी नहीं था। फिर थोड़ी ही देर बाद यहाँ पे जानवर बोलना शुरू हो गए, क्योंकि जब भी ये वाला जानवर बोलता है उसका मतलब वो कोई शैतान या जिन देख रहा है और वो बोला। मुझे पता नहीं क्यों ये जगह ना नजर एक कैमरा मैन आगे आ जाए प्लीज। आप बंदा जब सोच में पड़ता है ना तो बंदा ये सोचता है कि जैसे यहाँ कोई कब्रिस्तान की जगह या कोई ऐसे मामलात के लिए भी जगह बनाने का सोच सकते हैं, जैसे हमारे दूसरे जो कम्युनिटीज हैं, क्रिश्चियंस हो गई या पासरी जो अल्लाह दरख्तों से सब दूर हट जाएं। ये भी दरख्त है मुशारिफ, बाहर आ जाएं यार एक सेकंड ठहरो मुशारिफ, चारों तरफ दरख्त ही दरख्त, यहाँ से बाहर निकलें प्लीज एक सेकंड। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ मोशन सेंसर लगाते हैं, ठीक है? हम यहाँ पे कैमरा प्लेस करते हैं और यहाँ से हम बाहर चले जाते हैं। नजफ
और मोशन सेंसर में लेकिन मैं यहाँ पे ना नाज़रीन को बताना है, चारों तरफ दरख्त है और जिस दरख्त के करीब जाते हैं वहां से कुछ ना कुछ ऐसे आपको फील होता है, आप खौफ ज्यादा हो जाते हैं या कुछ गिर जाता है वहां से। मोशन सेंसर प्लेस करते हैं सेंटर में और किसी दरख्त के नीचे ताकि वो चीज उसमें कैच हो सके, कैप्चर हो सके। अगर उसके सामने से कोई भी ऐसी गैर मरी मखलूक निकलेगी तो अल्लाह अकबर। ठीक है, हम जा रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे एक आला लगा रहे हैं, उसके सामने से अगर आप गुजरेंगे तो ये बोलेगा, उसके सामने से आप गुजर जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि आप यहाँ पे यहाँ पे मौजूद हैं, बिल्कुल यकीनन हैं, बिल्कुल। चलो प्लेस करते हैं मोशन सेंसर, लगाते हैं। जी बिल्कुल, एक कैमरा मैन आ गया, आ जाए एक कैमरा मैन आ गया, आ जाए। नासिन आप बिलीव करें, सोच नहीं सकते कि हम यहाँ पे देख के बिल्कुल देख के मुझे मेरी बात सुनो नजर। हम मुझे यहाँ पे इशारे भाग वहाँ पे इतना खौफ है ना नजर, यहाँ पे वहाँ पे लगा दें मोशन सेंसर जहाँ पे वो चीज़ है। मैं आपको बताती हूँ, इस दरख्त के नीचे हम लगाएंगे उसकी वजह भी मतलब जितनी भी चीजें हुई है ना इस दरख्त के साए की वजह से हुई, लेकिन वो जो चीज़ वहाँ पे थी मैं वो तो वो उसके करीब ही है ना, जो चीज होगी वो यहाँ आ जाएगी, इस दरख्त के नीचे लगाए, हम इस दरख्त के नीचे ही प्लेस करेंगे मोशन सेंसर को। आप सामने फ्रेम बना लें। अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह। ठीक है, हम यहाँ से जा रहे हैं, हम बस जा रहे हैं, बस जा रहे हैं। लिया यहाँ कैमरा लगा दे, अली आप हमारे साथ भी आ जाओ, कैमरा यहाँ छोड़ के। और ठीक है, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, निकलो, लग गया फोकस है, रिकॉर्डिंग भी है, इसको उतार दो इसे। कुछ चल रहा है, जल्दी करो, अल्लाह अकबर, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी हो गया। ये मैं ऑन कर रहा हूँ, साइड पे आ जाओ, हमारे साथ अली हमारे कैमरामैन है और हमने वहाँ कैमरा प्लेस कर दिया, छोड़ दो उसे, इधर आ जाओ नाज़रीन, वो सामने कैमरा, कोई भी चीज उसके सामने से गुजरेगी। क्या आप उसके सामने से गुजर सकते हैं, ज्यादा आगे नहीं जाना नाज़रीन, यहाँ पे मामला ये है कि कोई अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर मुशारे भी बोल रहे हैं, अली कैमरा उठाओ, इधर आओ, बहुत ध्यान से कैमरा उठाओ, जल्दी करो, यहाँ से ध्यान से अस्तग़फिरुल्लाह, निकलो यहाँ से, निकले उधर इधर, वो देख के इधर आओ नजफ, ये क्या बस, इधर आओ, ठीक हो, Oh my goodness. मुशारिफ सब ठीक है? ये वहाँ पे मैं ये हैरान हूँ नाज़िम, चक्कर से आ रही है सर, वहाँ पे नजफ तुम्हें याद है, थोड़ा सा इस बात को, अली हमारे साथ था, कैमरा वहाँ दूसरा प्लेस था, शबीर सारा कैप्चर कर रहे थे वहाँ पे नजफ, जैसे ही हमने मोशन सेंसर लगाया ना ऊपर से चीजें गिरने लगी, मूव करने लगी, बिल्कुल वो इतनी खौफ में आ गई वो चीज कि आप मतलब आप इसको यकीन करें कि कोई भी मामला अगर कोई और इंसान हो इन्वेस्टिगेशन के अलावा यहाँ पे आए तो
میں نہیں سمجھتا کہ وہ یہاں پہ زندہ رہ سکتا. پراپر طریقے سے دھلایا ہے اس نے موشن سینسر کے آگے, ای ایم ایف کے تھرو خود بھی کالی چیز میں, کالے لباس میں وہ ہمارے سامنے رونما ہوئی, ہم نے دیکھی بھی. ضرور دیجیے گا کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی, اگر آپ کے علم میں کوئی بھی ایسی جگہ ہو جہاں پہ کچھ ہونے کا آپ کو تجسس ہو یا جہاں سے آپ کو خوف آتا ہو تو ہمیں بتائیے. تو ابھی تک کے لیے مشرف فاروقی اور نجف راجہ کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ.